जून का महीना शुरू हो गया है और काफी गर्मी पड़ रही है। ऐसे में हम तो काफी परेशान है ही, हमारे कैट्स भी काफी परेशान है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैट्स को गर्मियों के दिन में कैसे रखें ताकि उनको हीट स्ट्रोक से और लू लगने से बचाया जा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक कुमार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पेट्स प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आपको पता है, यह चैनल डेडिकेटेड है आपके पेट्स के केयर, क्योर, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और उनसे संबंधित जानकारियों को आप तक पहुंचाने के लिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने कैट्स को हम लोग कैसे गर्मियों में ठंडा रखें और उनको लू लगने से बचाएं। सबसे पहला जो उपाय है कैट्स को रखने का, हालांकि एक चीज आप ध्यान में रखें कि कैट्स जो है डॉग्स से थोड़ा सा कम परेशान होती है गर्मियों से, लेकिन फिर भी उनमें भी लू लगने की संभावना बनी रहती है यदि उनको ठीक से न रखा जाए। तो सबसे पहला जो इसमें उपाय है कि जहां भी आप कैट को रखते हैं वहां पर प्रॉपर छाया हो, मतलब आपका जो बालकोनी है या आपका जो कैंपस है जहां पर कैट्स रोमिंग करती हैं या घूमती हैं, सुबह या शाम या दोपहर में निकलती हैं, तो वहां पर जो है प्रॉपर छाया रहे, मतलब कि वहां पर अगर पेड़ पौधा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम किसी रूप में वहां शेड जो है रहना चाहिए। दूसरा है कि अपने कैट्स को हाइड्रेटेड रखिए, क्योंकि गर्मियों के दिन में स्वेटिंग होता है और आपको पता है कि स्वेटिंग आपके कैट्स के पॉज से होता है, पंजों से होता है, उसके अलावा कहीं भी स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते उनके बॉडी पर। तो अगर डिहाइड्रेट कर रही हैं, उनके बॉडी में पानी की कमी हो रही है, तो उसके लिए है कि उनको प्रॉपर हाइड्रेट रखना जरूरी है। और इसलिए आवश्यक है कि आप जहां भी अपने कैट्स को वाटर देते हैं तो उनके लिए जो है फ्रेश प्लेंटी कोल्ड वाटर जो है अवेलेबल होना चाहिए, ताकि जब भी उनको गर्मी लगे या उनको बेचैनी महसूस हो वो आसानी से पानी पी सके, उनको पानी उपलब्ध हो सके। तीसरा है कि आज जहाँ भी कैट्स को रखते हैं या अपने घर को जो है, क्योंकि जनरली कैट्स आपके घर में ही आपके साथ रहती है, तो उनको जो है वहाँ पर ठंडा रखना है घर को, उनके लिए पंखा या कूलर या अगर एसी हो तो सबसे बढ़िया, तो उसको आप इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत से पेट ओनर्स के मन में होता है कि क्या एसी उनके कैट्स के लिए या पेट्स के लिए ठीक है या नहीं, तो इस पर एक अलग सी वीडियो भी चैनल पर पहले से उपलब्ध है, उसे देखकर आप विशेष जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है कि गर्मी जब काफी पड़ती है, धूप काफी होता है, या धूप नहीं तो ऐसे भी ह्यूमिड क्लाइमेट में भी सनबर्न होने का डर जो है आपके कैट्स को होता है, और ये सनबर्न अक्सर उनके नोज टिप्स पर या उनके ईयर टिप्स पर जो है वहां होता है। तो सनस्क्रीन को जो है वहां पर उनके नोज टिप्स पर या ईयर टिप्स पर लगा सकते हैं, जिससे उनको सनबर्न से बचाया जा सके। बहुत बार शुरू में जो है आपकी कैट्स इससे फैमिलियर नहीं होती है और काफी जो है एजिटेट करती है या रेसिस्ट करती है या उनको बार बार वाइप करती है, पोंछ लेती है, तो लेकिन धीरे धीरे यूज करने से जो है वो भी यूज टू हो जाती है और उसको लगा रहने देती है। तो वहां पर आप सन क्रीम यूज कर सकते हैं। उसके बाद है कि जब गर्मियां ज्यादा पड़ रही हो तो उस समय अपने कैट्स को ज्यादा एक्साइट नहीं करना है, ज्यादा उनको दौड़ाना नहीं है या उनसे बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कराना है, अदरवाइज उनको उससे भी गर्मियों में परेशानी बढ़ सकती है। फिर एक ध्यान देने की बात है कि ग्रूमिंग पर उनके, तो प्रॉपर उनको ग्रूमिंग कराना है। जैसे कुछ है कैट्स जो अपने यहाँ के इंडियन कैट्स हैं तो उनका तो फर जनरली छोटा होता है तो उसमें बहुत परेशानी नहीं होती है, लेकिन अगर आपने पर्सियन कैट या कोई दूसरी कैट रखा है जिसमें लॉन्ग हेयर्स हैं तो उनके लिए परेशानी बनता है। तो वहाँ पर ग्रूमिंग जो है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो उनको प्रॉपर समय से बात कराना और उसके साथ साथ जो है उनका हेयर कट्स करना जो है वो काफ़ी आवश्यक हो जाता है। गर्मियों में हेयर्स बहुत बड़े होने पर भी उनको काफ़ी कठिनाई होती है। साथ ही आपको ध्यान देने की जरूरत है कि गर्मियों में अपने कैट्स को कभी भी कार ट्रिप में अगर ले जा रहे हैं कहीं, कार में एसी चल रहा है तो ठीक है, अगर कार बंद करके कहीं रुक रहे हैं तो उस समय जो है अपने कैट्स को कार में ही छोड़ के बाहर नहीं निकले, नहीं तो कार तुरंत बहुत तेजी से रेडिएशन से गर्म होता है और वहां पर आपके कैट्स को जो है हीट स्ट्रोक लगने की संभावना बनी होती है। साथ ही गर्मियों में जो है फ्ली टिक्स या माइट्स जो आपके कैट्स को परेशान करते हैं, उनका ब्रीडिंग सीजन होता है, वो काफ़ी तेजी से बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं और आपके कैट्स को परेशान भी कर सकते हैं। तो उसके उनको कंट्रोल करने के लिए आवश्यक है कि आप अगर शैम्पू यूज करते हैं या पाउडर या कुछ एक टिक कंट्रोल कॉलर्स भी आ गए हैं उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या टिक स्प्रेज भी आते हैं, एंटी टिक स्प्रेज, उनका भी इस्तेमाल करके आप फ्लीज को और टिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और आपको करना चाहिए, नहीं तो वो भी जो है बहुत से आपके कैट्स के लिए अनिजी तो होगा ही, साथ ही बहुत सी बीमारियों का भी वेक्टर होता है, बीमारियों को भी संक्रमित कर सकता है, फैला सकता है आपके कैट्स के लिए।
उसके बाद एक और बहुत कॉमन सा चीज है जो आपको मैनेज करने की जरूरत है, देखने की चीज है कि जहां भी आपके घर में अगर मैट बिछा हो या कालीन बिछा के रखते हो तो वहां पर फ्लोर ठंडा नहीं हो पाता है और कैट्स गर्मी में परेशान रहती है। तो कुछ एक जगह को ऐसा अनकवर्ड भी रखना है जहां पर कैट्स अगर चाहे तो स्ट्रेच आउट करके आराम से लेट करके वहां पर जो है अपने आप को कूल भी कर सके, ठंडा कर सके। तो ये सब उपाय अपना के अपने कैट्स को कोल्ड रख सकते हैं और उनके खाने का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दही इसमें दे सकते हैं उनको ताकि वो अपने आप को कोल्ड रख सके, और छोटा छोटा कभी कभी जो है आइस क्यूबिकल्स भी उनके वाटर में मिलाया जा सकता है जिससे उनको ठंडा पानी जो है मिले। हालांकि ध्यान देना है कि बहुत ज्यादा ठंडा पानी देने की जरूरत नहीं है, चिल्ड वाटर देने से भी उनका तबीयत खराब हो सकता है। बहुत बार है कि उसमें हीट स्ट्रोक अगर हो गया है इतना बचाव के बाद भी, या आप बचाव नहीं कर पाए किसी गलत चूक के कारण, अगर उसको हीट स्ट्रोक हो गया तो उसे क्या लक्षण है, कैसे पहचानेंगे कि आपकी कैट को हीट स्ट्रोक हो गया है? उसके लिए है कुछ एक लक्षण, जैसे कि आपका कैट काफी परेशान हो सकता है, बेचैन हो सकता है, उसको डायरिया वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, या काफी रेस्टलेस बिहेवियर हो सकता है, या कभी कभी जो है बेहोश होके पड़ भी सकता है, बेहोश भी हो सकता है, फेंट कर सकता है, या उसका शरीर जो है काफी गर्म लगेगा, स्किन हॉट लगेगा, और उसके बाद जो है उसका सांस जो है काफी तेजी से चलना शुरू हो जाएगा। तो और उसके साथ ही एक और ध्यान देने का है कि उनका टंग या गम्स जो है काफी ब्राइट रेड आपको उस समय दिखेंगे। तो अगर ये सभी लक्षण आपके कैट्स में पाए जा रहे हैं तो संभावना है कि आपके कैट को लू लग गया है, हीट स्ट्रोक हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में उसको जल्दी से प्रॉपर कूल करने का प्रयास करें अपने घर में, और उसके बाद जो है उसको तुरंत अपने वेटरनरियन के पास ले जा करके उनसे मिले और प्रॉपर उनका जो है ट्रीटमेंट कराएं। तो उम्मीद है कि ये उपाय अपना कर आप अपने कैट्स को गर्मियों से बचा सकते हैं, उनको हेल्दी रख सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।